वहां भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब बीमारी है जैसे हमारे यहां संसार में मृत्युलोक में है। स्टैंडर्ड ऊंचा है, ये तो हमारे यहां भी है। एक साइकिल से चलता है, एक बड़ी बड़ी कीमती कारों में चलता है, एक झोपड़ी में रहता है, झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, और एक हवेली में रहता है। एक कीथड़े लपेटे रहता है गरीब, और एक लाख लाख का सूट पहनता है। ऐसे स्वर्ग में भी है। अब चलो छांदोग्योपनिषद आया, उसने क्या कहा, पुण्य जितो लोकक्षीयते। ये पुण्य से माने धर्म कर्म से जो स्वर्ग मिलता है वो क्षीयते, एक दिन नष्ट हो जाता है, छिन जाता है। ईशावास्योपनिषद आया, उसने कहा देखो ऐसा है, अंधम तम प्रविशंति जे विद्या मुपासते। नौवां मंत्र, जो कर्म धर्म करता है वो मूर्ख है, अंधकार को प्राप्त होता है, माया के अधीन रहता है। अब चलो फिर कठोपनिषद आया, न यद्रुवई ही प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि हमारे पास जो है माइक, इससे दिव्य वस्तु नहीं मिलेगी। धर्म कर्म कुछ भी कर डालो, वो स्वर्ग भी माइक है। एक दो दस, अब प्रश्नोपनिषद आया, पुण्य न पुण्यम लोकम नेति पापे न पापम उभाभ्याम यो मनुष्य लोकम। 3-7, ये क्या कह रहा है, देखो तुम अच्छा काम करोगे माने कर्म धर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर पाप करोगे तो नरक मिलेगा। दोनों बंधन कारक है। एक कड़वा है पानी, उसमें जहर मिला है, और एक मीठा शरबत है, उसमें भी जहर मिला है। दोनों का परिणाम एक। देखो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को जेल होता है तो वहां उनको सुविधा दी जाती है, कहते हैं नजर बंद कैदी है, और बड़े बड़े डकैतों को, मर्डर वालों को बुरी तरह से रखा जाता है। ऐसे ही है स्वर्ग में, अच्छा अच्छा रहन सहन है, स्टैंडर्ड अच्छा है, नरक में खराब है। दोनों में बंधन, मोक्ष नहीं मिलेगा, आनंद की कौन कहे।